हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आज हम आपको ले चल रहे हैं हल्द्वानी। और आज जो बहन का जो हमारे एडिटर है उनका प्लास्टर कटना है, तो उनको लेके जाएंगे हम हल्द्वानी। तो जुड़े रहिए, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। अभी जो एडिटर साहब हैं वो रेडी हो रहे हैं, आपको मिलवाएंगे, बने रहिए। तो दोस्तों, ये मरीज आ चुके हैं, आज इनका प्लास्टर कटेगा। करीब करीब पूरे पूरे कितने दिन हो गए? 37 डेज़ के बाद आज ये प्लास्टर कटने जा रहा है। और हम तैयार हैं, घर से निकल रहे हैं। तो दोस्तों, हम चल रहे हैं गाड़ी की तरफ। मरीज बड़े 37 दिन से एक ही पैर में कूद रहे हैं, आज कोशिश करेंगे कि दोनों पैर में चलें, लेकिन फिलहाल कम चलें। पिछली बार कटवाने गए थे तो उसे 4 हफ्ते का आज पता नहीं क्या हुआ। सब अच्छा होगा, चलिए दिखाएंगे आपको। फिर मैं गाड़ी मुड़ के लाता हूँ, अभी पे खड़े हो जाओ। अभी इनकी एक्सरसाइज अच्छी हो रही है आजकल एक पैर से। ये पता नहीं, बहुत ज्यादा है भैया, गाड़ियों का रश और गर्म भी लग रहा है। यहीं से हल्द्वानी जाने से पहले सोचना पड़ रहा है कि वहाँ कैसा हुआ होगा। कुछ आप बोलिए, आपको कैसा लग रहा है अपना प्लास्टर कटवाने जा रहे हैं? कट जाएगा तो बढ़िया है। कटना तो ही हो, कट जाएगा तो बढ़िया है, नहीं तो पक्के के बाद कोई पक्का नहीं होता। पिछली बार पूरी उम्मीद से गए थे कि काट देगा, उसने बांध दिया, तो अभी थोड़ा सा भय है आप कह सकते हैं। नहीं, एक पक्के के बाद दूसरा पक्का नहीं होता, आप निश्चिंत रहे। बढ़िया है, फिर फाइनली आज़ादी मिल जाएगी। ये 37 डेज की कैद थी, आज़ादी मिल जाएगी तो बढ़िया है। बहुत लोगों ने मुझसे ऐसा भी कहा कि चलो पैर में चोट लगी है तो गलत ही हुआ, लेकिन वैसे तो मैं आराम करूंगी नहीं, ऐसे कम से कम आराम तो मिलेगा। और हमारे पास ये रास्ते में हल्द्वानी के रोड में जो रानी बाग है, यहाँ पे एक पुल पड़ता है, ये बन रहा है काफी टाइम से, काफी जाम है, पूरे पूरा पहाड़ काट दिया गया है। देखिए, ये पुल बड़ा जबरदस्त बनेगा, ये तो गारंटी है। देख सकते हैं पुल बन रहा है सामने। कुमाऊं को जाने के लिए हल्द्वानी से ये जो है बहुत मुख्य है, और आप कह सकते हैं कि इस पुल की जो है बहुत अहम भूमिका है। और ये पुराना पुल है जिसके हम चल रहे हैं अभी, और नया पुल इधर ये बन रहा है इधर। और जितना टाइम इस पुल मेहनत कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे फिलहाल अभी ट्रैफिक वन वे रहता है, एक तरफ की लेन पहले चलती है, फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पुलिसमैन खड़े रहते हैं। दिखाई पुलिस है, अगर देखा हो आपको तो। दोनों तरफ से ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, तब यहाँ पर जो है जाम मैनेज हो पाता है। और वीकेंड के टाइम पे तो यहाँ पर ऐसा जाम होता है कि किलोमीटर्स का जाम होता है, 5 to 6 किलोमीटर्स तो बहुत बहुत कॉमन है।
दिन में हॉस्पिटल दूर है और हम ये कार्यक्रम आ चुके कार्यक्रम सर में मुश्किल से जाम नहीं लगा तो 10 से 15 मिनट लगेंगे हॉस्पिटल पहुँचने में। 10 to 15 minutes more, my dear leg. Most probably you will be okay. Hang in there. आपका पैर आज आपके प्लास्टर से छुटकारा पाएगा और लेकिन आपको कुछ टाइम गर्म पट्टी का सेवन करना पड़ेगा। सेवन जरूरी है चाहे वो किसी भी रूप का। दवाई खा रहे हैं कड़वी, दर्द भी झेल ही रहे हैं तो कोई बात नहीं। दवाई होती कड़वी है, मीठी होती तो कितना था। पैर में चोट लग जाए तो आपका मूवमेंट ही रेस्ट्रिक्ट हो जाता है ना। मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया तो फिर आप जो है डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर ऐसे में जो है आपकी फैमिली वाले जो है ऐसे होने चाहिए, नहीं तो बड़ा दुख है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आभार तो आपका जो हमने 37 दिन जो है हमारा कंधा बने हो आपका आभार, आपने हमें इस लायक समझा। जहाँ तहाँ लेके गए हैं आप, भाई हो तो ऐसा कह सकते हैं आप, भाई हो तो ऐसा मेरे भाई, वरना ना हो। मैं भाव खाने लगूंगा अभी, आप चलते हैं अभी। यहाँ नजर भी लगती है, चलिए फिर मिलते हैं आपको हॉस्पिटल में। हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, मरीज को अंदर ले जाया जा चुका है डॉक्टर के पास, देखते हैं। अच्छा यहाँ तो ये पर्चे की लाइन, एक पर्चा चलता है 7 दिन। मैडम बना रही है पर्चा, थैंक यू मैडम। पर्चा बन गया है, डॉक्टर के पास चले गया है पर्चा, तो हो गया होगा, नो आइडिया। बहुत भीड़ है, भयंकर भीड़ है यार, बिगड़ भीड़ पूरा भरा पड़ा ऊपर का एरिया। तो फाइनली कुछ तो सोच करके आप लेट जाइए, सर ऊपर रखिए कह रही थी मैडम। मैडम आप हॉस्पिटल में नहीं आए, आप हॉस्पिटल में आए, 5-star होटल में नहीं आए, तो मैं ही काटना शुरू करूं? नहीं तो कहते हो तो अभी लेते हैं क्लोजअप। ये वेरी नाइस, ठीक है। यह कटर, इतना तगड़ा कटर है भाई। हाँ ब्लेड जो आके बंद करो, मशीन बिल्कुल तैयार है, हथियार लाइट इसकी ब्लिंग हो रही है, इसी हथियार से पैर का प्लास्टर कटा जाएगा। यहाँ का रिएक्शन देख सकते हैं आप, पहले कहते हैं मैं घर से हेक्सा ब्लेड लिया था आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर के इंतज़ार में प्लास्टर कट गया है, एक्सरे हो गया है, डॉक्टर साहब उधर चले गए, लेकिन डॉक्टर साहब वो जा रहे हैं, प्लास्टर कर दिया है। अब हो एक्सरे, क्या करें
वेटिंग है। चलिए प्लास्टर ठीक हो गया, एक्सरे भी ठीक आया है, रेस्ट करने के लिए बोला है, रेस्ट करने के लिए बोला है। नारियल के तेल से पैर में लगाना है, मालिश नहीं करना है, एक्सरसाइज बताएंगे, एक्सरसाइज करनी है कंटिन्यू। और ये दवाई ले लेता हूँ।